हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ ना ऑल ओवर रैपिडो में पार्ट टाइम काम करने के लिए। फिलहाल आज दोस्तों संडे है और बहुत लोगों का ये मानना होता है कि भाई संडे को ज़्यादा ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियल जितना होता है वो काम बंद रहता है, जिस वजह से ऑर्डर उतना होता नहीं है। उसी चक्कर में बहुत लोग काम पे नहीं निकलते और जिस वजह से जो थोड़ा बहुत ऑर्डर होता है वो फिर बैक टू बैक मिलते भी है। कभी कभी क्या होता है कि संडे को ऑर्डर अच्छा सा मिलता है, कभी कभी ऑर्डर नहीं भी मिलता। तो फिलहाल अभी मैं पार्ट टाइम जा रहा हूँ काम करने के लिए। और दोस्तों, अभी थोड़ा बहुत तबीयत मेरा ठीक हो गया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करने का। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख लो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और कोई भी छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपके छोटे से कमेंट से, छोटे से लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है भाई डेली वीडियो बनाने में। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाऊं। ओके, तो फिलहाल अभी चलते देखते दोस्तों पहला वाला ऑर्डर किससे मिलता है। ओके, उसके बाद रास्ते में आप लोगों से बात करता हूँ। तो दोस्तों, 4:50 हो रहा है और आज का पहला वाला ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट किया है रैपिडो से। जी हाँ दोस्तों, रैपिडो से एक्सेप्ट कर लिया। लगभग 8-8.5 किलोमीटर का ड्रॉप डिस्टेंस है और अभी तक मैंने कस्टमर को कॉल नहीं किया, पता है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि भाई उबेर से या फिर ओला से कोई राइड मुझे मिले। अगर मिल जाता है तो मैं फिर रैपिडो वाला जो राइड है उसको कैंसिल कर दूंगा। अब इसके पीछे जो रीज़न है ना, मतलब रैपिडो में आप लोग जानते हैं पैसा बहुत कम मिलता है, तो इसको रैपिडो वाला राइड को मैं अभी रिजर्व में रखा हूँ। अगर बाई चांस उबेर या ओला से अभी तक कोई राइड नहीं मिला, अगर ना मिलता है तो फिर मैं वैसे भी इधर ही है कस्टमर का लोकेशन और उधर ही मैं जा ही रहा हूँ, तो मैं फिर रैपिडो वाला राइड एक्सेप्ट, मतलब कस्टमर को जाकर पिक कर लूँगा। देखते ओला उबर से मिलता है कि नहीं। ये दोटो क्लिप ये धरे पड़बे ना, हमें अटके जाए हेलमेट। হেলমেটটা পরে নাও, সামনে চেকিং হয় এখানটা, অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকে, এই হলটা ক্রস করে বাঁদিকে অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকে, সেই জন্য বলছে অনেক সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই জন্য বলছিলাম যে একটু পরে নাও ভালো হবে। অনেক সময় এই সাইডে দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক সময় দেখেছি तू ना ये हेलमेट नहीं पहन रही थी, मैंने कहा पुलिस सामने ही खड़ा रहता है, जल्दी पहनो वरना फाइन लगेगा। ये लड़की लोग को बैठाना ही नहीं सही है। अब ये आगे आगे हेलमेट अगर नहीं पहनेगी ना, मैं इसको उतार दूंगा यहीं पे। चेंज नहीं हुआ ना, क्या बात है यार, चेंज नहीं दी, मैं तो 1 स्टार दे रहा था इसको भाई। सच में पूरा रास्ते में एक बार भी हेलमेट नहीं पिया, एक बार क्या, एक दो बार खाली हेलमेट पहनी है, वो भी सिग्नल पे, जहाँ पे सिग्नल था वहाँ पे जस्ट पहनने के लिए बस पहन ली, उसके बाद से फिर उतार के आई है। मैं इनको कई बार बोला पहन लो यार, आगे चेकिंग होता है, कहीं पर भी पुलिस लोग खड़ा होता है तो ही नहीं पहनी। एक्चुअली मैं भी इस एरिया का लोकल बंदा हूँ, तो मुझे भी मालूम है कहाँ कहाँ चेकिंग होता है और कहाँ चेकिंग नहीं होता है, तो जिस वजह से मैं उनको लेके आया, वरना मैं लेके नहीं आता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर ये किसी दूसरे साइड में रहता जिसके जिस एरिया के बारे में मुझे पता नहीं होता ना, मैं इस कस्टमर को नहीं बैठाता, उतार देता। अगर आप हेलमेट पहनो तभी मैं लेके आता, वरना नहीं लेके आता। ये एरिया मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि कहाँ पर पुलिस चेकिंग होता है कहाँ पर नहीं होता है, तो इस वजह से चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पहन रही तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। उनको भी अच्छी तरह से पता है इस एरिया के बारे में, रेगुलर आना जाना होगा शायद। आप लोग ये गलती कभी मत करना यार, बिना हेलमेट के कस्टमर को मत लेके आना। और कंपनी ने मुझे दिया 62 रुपीज़। देखते यहाँ से राइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी शाम के टाइम में पता नहीं यार, चांसेस तो कम ही लग रहा है क्योंकि इधर से उतना राइड मिलता नहीं है। अभी देखते, सामने स्टार मॉल है, वहाँ से एक बार घूम के आता हूँ, अगर उधर से कोई राइड मिल जाए तो ठीक है, कोलकाता सिटी के अंदर एटलीस्ट चले जाए तो फिर उधर से राइड मिलेंगे। दोस्तों अभी ना मैं यहाँ पे आया था रैपिडो का ऑर्डर लेके, स्टार मॉल के पास ऑपोजिट में खड़ा हूँ और यहाँ पे पुराने दोस्त लोग मिल गए। इस भाई को तो आप लोग पहचानते हो, बहुत सारे वीडियो में आए होंगे, पहले जब मैं इधर ही काम करता था इसी बारासा जोन में जोमैटो में, तब ये भाई अक्सर मेरे वीडियो में आते थे। और मेरा जो पहला जोमैटो का वीडियो है ना, उस वीडियो में ये भाई है, पता है, मुगल टाइम के छत पे खाना खा रहे थे उस टाइम, तो ये पहला वीडियो में ये भैया थे। उसके बाद तो ये तो बहुत सारे वीडियो में और भी कई सारे भाई लोग हैं, यहाँ पे तो अक्सर मिलते ही है। मैं सोचा नहीं था कि यहाँ पे ये लोग मिलेंगे, मैं ऑर्डर डिलीवर उधर कंप्लीट करके इधर आया तो भाई दिख गया, तो मिलके अच्छा लगा। बहुत दिन बाद मिले भाई, बहुत दिन बाद, लगभग 1-1.5 साल से ज्यादा होता है।
हाँ तो ही पुराने बातें हो रही थी, पुरानी बातें ताजा होगी फिर से। अभी देखता हूँ, मैंने एक रैपिडो का छोटा सा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया हूँ, उसको बीआरटी की तरफ जाना है। चलो अभी जाके उनसे पिकअप करता हूँ, फिर आगे आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक और है? सिल्वर प्ले बटन के लिए बधाई हो। अरे भाई थैंक यू भाई। ठीक है, थैंक यू। चलो ये रैपिडो से था, ये भी सेकेंड ऑर्डर था रैपिडो से, हालांकि मिल रहा था उबेर से मिल रहा था, बट वो 12-7 के अंदर के तरफ था, फिर उतना अंदर जाके फ़ायदा नहीं था मुझे, वैसे कोलकाता साइड में जाना है। अरे अरे क्या बज रहा है, उबेर बज रहा है। আচ্ছা ওই নিউ টাউনে মতলব ইকো পার্কের ওইখানে রাম মন্দির আছে ওইটা? হ্যাঁ একটা রাম মন্দির আছে ওইখানে সিটি সেন্টার 2 এর অপোজিট সাইডের দিকে, ওইটাই তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। এইখানে নামবা কি ওই মন্দিরের সামনে? আচ্ছা ঠিক আছে। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो लोकेशन था यहीं पे राम मंदिर पे ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे फिर वो कहती है कि मेरा जो घर है ना वहाँ पे गूगल मैप ठीक से नहीं जाता है, तो इस वजह से वो कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा और आगे ड्रॉप कर देना, जो कि हम लोग करते भी, आप लोग भी जानते हैं, कस्टमर कहते हैं कि 200-400 मीटर थोड़ा सा और आगे गली में उतार दो, तो हम लोग वैसे भी लेके चले जाते हैं। तो मैंने भी सोचा होगा, हो सकता है शायद गूगल मैप नहीं ले रहा होगा, किसी अननोन गली में होगा तो शायद मैप ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, तो मैं सोचा 200-400 मीटर होगा तो मैं उनको आगे लेके चला गया। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वो कह रही कि और थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा सीधा अंदर, इस तरह करते करते 2-3 किलोमीटर में अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब वहां पहुंचने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप जो 2-3 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा लेके आए उसका बस आप एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए। मैंने जस्ट उनसे 30 रुपया मांगा, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मांगा था, फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा। 140 टका बोल रहे हैं अपना वही लोकेशन चले, এতটা ভিতরে আছে বলুন আপনি আপনার। হ্যাঁ ওইখানে দেখালে কি হলো, আপনি বলুন, আমি ওইখানে নামাই দিতাম আমি, আপনার তো লোকেশন ওইখানে শেষ হয়েছিল না? না ওরকম হয় না, আপনি যেখানে লোকেশন সেট করেছি অতটা অবধি ওরা ডিস্টেন্স নেয়, আপনি যে এক্সট্রা যে এতটা আপনি নিয়ে আসলেন। আপনি এতটা ভিতরে যে 4 কিলোমিটার ভিতরে আসলাম, এটা আপনার 150 টাকা উপরে নেওয়া উচিত ছিল। এরকমই হয় না, এরকম হয় না, আপনি তাহলে জানেন না। আপনি আপনি আমি বলছি যতটা আপনি ডিস্টেন্সটা আপনি দিয়েছেন তো অতটাই ওরা ভাড়া দেয়, আপনি এক্সট্রা যে নিয়ে এসেছেন এটার নাই না না। আপনি লোকেশন আপডেট করুন, দেখুন ভাড়া এখনই চেঞ্জ হবে, এই লোকেশনটা দিন। হ্যাঁ আপনি তো দিবেন না এই লোকেশনটা, আপনি জানেন কি ওইখানটা, আপনি আমাকে বলতেন ওইখানে আপনাকে আমি নামিয়ে দিতাম, অতই ভাড়া চাইতেন, আমি এক্সট্রা নিতাম না কিছু না, না আমি এক্সট্রা নিতাম না কিছু না, আমিও সেটা কিছু বলছি না। আপনি যদি আমাদের এখানে এই যে গৌরাঙ্গনগর পোস্ট অফিস মানে লোক আমার এই ঘরের সামনে ড্রপ, হ্যাঁ ড্রপ করে বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনি যত কেমিস যাবেন তত কেমিস আপনার বিলে দেখাচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ আমার কেন, আমার তো লোকেশন বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি, হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা, আপনি যে ডিস্টেন্সটা মেরেছেন তো এটা 11 কিলোমিটার ছিল, 11 কিলোমিটার ঠিক আছে আমি বলছি। হ্যাঁ না 1 কিলোমিটার না, এখান থেকে 3 কিলোমিটার ডিস্টেন্স আছে। না আপনাকে তো এক্সট্রা দিতে লাগবে, না আপনাকে এক্সট্রা দিতে লাগবে, 140 নিচে কথা হবে না কোনো। আরো 30 টাকা পাঠাতে বলুন, হবে না। হ্যালো কি হয়েছে? ওটার লোকেশনটা রাম মন্দিরে শেষ হয়েছে, ওইখানে দেখাচ্ছিল ওই ড্রপ ডোজ ডিস্টেন্স, ওইখানের জন্য 11 কিলোমিটার জন্য কোম্পানি 111 টাকা নিয়েছে, এবার 3 কিলোমিটার যে আমি এক্সট্রা 80 টাকাটা কে দেবে? আপনার লোকেশন তো শেষ হয়ে গেছে, উনি লোকেশন যেটা দিয়েছিল ওই হিসাবে কোম্পানি অত টাকায় চেয়েছিল, উনি যদি আমাকে বলতো যে হ্যাঁ আমার রাম মন্দিরে নামিয়ে দাও আমি হেঁটে চলে যাবো, উনি তো বললে হ্যাঁ একটুখানি আছে না, আমি কি জানি যে এতটা ভিতরে, আমি যে আমরা দেখো আপনি যেরকম বললেন না এখান থেকে ওইখানে আমারও ওইরকম 200-400 মিটার থাকলে নামাই দিই, আপনি বলছেন চলুন এদিকে চলুন ওইদিকে চলুন, এটা তো আপনি কি বললেন আমার ওইখানে লোকেশন নাই না, এখানে আপনি বলেছিলেন তো, আপনি বললেন তো আমার ওইখানে লোকেশন মারি, লোকেশনে রেকর্ডিং আছে, রেকর্ডিং আছে, ক্যামেরাতে এক্সপোজ করে দেবো, ইচ্ছা করে করছেন, আপনার রাম মন্দিরের লোকেশন শেষ হয়েছে, আপনি ইচ্ছা করে এতটা নিয়ে এসেছেন, এখন বলছে টাকা দিবেন না, কেন দিবেন না, আপনি যে এক্সট্রা যে আমি এসেছি 3-4 কিলোমিটার এটা টাকাটা কে দেবে? আপনি দিচ্ছেন না তো, আপনি আপনি তো নিজেই বলছেন যে দেবো না আমি টাকা,
অন্য কেউ আসতেন না 200 টাকা নিতল। আমি তো ওনাকে খালি মাত্র যত টাকা হয় জেনুইন টাকায় নিয়েছি, এক্সট্রা কিছু নিইনি। এদিকে রাম মন্দির অবধি কথা হয়েছিল যে অতটা নিয়ে যাবে, এবার এক্সট্রা এসছি, এক্সট্রা টাকা যাচ্ছে বলছে দিব না। হ্যাঁ তাহলে কতটা রাস্তা এবার বলুন, টাকাটা কে দেবে এখানে এতটা যে এসছি আমি? রাম মন্দিরে অবধি কথা হয়েছিল, এবার এতটা এসছি বলছে এক্সট্রা টাকা দিবে না, এটা কোনো মানে হলো? এখন বলুন ওইখানে নবজীবন স্কুল বিরাটি মারতে বলুন 150 টাকা উপরে ভাড়া দেখাবে। হ্যাঁ তাহলে এখান দিয়ে ভাড়াটা কে দিবে? পয়সা নেই দেঙ্গে, 3-4 কিলোমিটার এক্সট্রা লেকে আয়া সোচ রা গাইস, 3-4 কিলোমিটার এক্সট্রা লেকে আয়া ইনকো ইয়ে বলে কি নেই পয়সা নেই দুঙ্গা মে। জান বুঝ কে লোক কে করতে কি ডিস্টেন্স শর্ট করতে তাকি পয়সা কম দেনা পড়তা আর বলতে কি ভাইয়া থোড়া সা আর আগে ড্রপ করনা আর এক্সট্রা জানা। मैंने कहा भी एक ठीक है 100-200 मीटर होगा तो छोड़ देंगे। अब देखो अंदर घुसते ही जा रहा हूँ, घुसते ही जा रहा हूँ यार, ऐसा तो नहीं होता ना, 100-200 मीटर हुआ ठीक है। अब बोला पैसा नहीं देंगे, मजाक है क्या पैसा नहीं दोगे? अपना लोकल एरिया समझो तो क्या भाई, वीडियो इसीलिए थोड़ा ही ना बनाता हूँ तुम जो जैसे लोगों को एक्सपोज कर सको। फिर भी पैसा नहीं दिया, 30 रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे, 20 ही रुपया दिया। सच में यार कैसे कैसे कस्टमर मिलते हैं यार, मैं उस कस्टमर के बारे में सोच रहा हूँ यार, आज मेरे साथ हुआ, इससे पहले वक्त कितने लोगों के साथ ऐसा की होगी। सच में यार अच्छा हुआ मेरा कैमरा था, मैं बता दिया कि भाई यूट्यूब पे एक्सपोज कर दूंगा, तब जाके उन्होंने 20 रुपया फिर एक्स्ट्रा दिया मुझे। ठीक ये उबेर से राइड था, अभी मैं दमदम स्टेशन आ चुका हूँ और जैसे मैं यहाँ आया एक और राइड मुझे मिल गया था हल्दीराम का, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उबेर से ही। तो देखो यार बैक टू बैक तो ऑर्डर मिल रहा है उबेर में। अरे यार लगता है बाइक में पेट्रोल भी कम हो चुका है गाइस, झटके मार रही है झटके। अरे यार पता नहीं ये गवर्नमेंट कब ठीक करेगी यार, बिना बारिश के यार यहाँ पर पानी जमा रहता है ये अंडरपास में दमदम वाला में, वो भी यार गंदे नाली का पानी जमा रहता है बताओ। ऊपर से गड्ढे भी है देखो यहाँ पे, कितने बड़े बड़े गड्ढे भी है यार, कितना रिस्क होता है यहाँ पे जाना, कभी अचानक गड्ढे में गिर उड़ गया तो रिस्क हो जाता बहुत। देखते हैं कस्टमर है कहाँ पे, इधर ही कहीं लोकेशन दिखा रहा है खड़ी है। भैया पूरा डर गए भाई, डराना नहीं चाहते आपको बट आप डर गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत दिक्कत हुआ इनको बैठने में, चढ़ने में भी दिक्कत हो रहा था, पहले तो बाइक देख के ही डर गए कि बैठ पाएगी कि नहीं। और दोस्तों ओला से मैंने एक राइड फाइनली एक्सेप्ट किया हूँ, इनको बेलगछिया पे कहीं पे जाना है एंड और क्या बताऊँ आप लोगों को गाइस, बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं। ओके तो अभी ओला का पहला वाला राइड मिला है उसको एक्सेप्ट किया हूँ और उबेर से तो बैक टू बैक राइड मिल रहा है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने सोचा चलो ओला से एक दो राइड किया जाए। तो अभी मैं गया था अंदर, कस्टमर ने कहा कि ऑटो के बगल से अंदर आओ, अंदर गया कोई अपार्टमेंट दिखाई नहीं, आसपास के लोगों से पूछा बोले पता ही नहीं मुझे, तो मैं फिर से वापस यहीं पर आ गया, कस्टमर को बुला लिया आप आ जाइए यहीं पर भाई, लोकेशन आपका यहीं पर आ जाओ। तो गाइस अगर आप लोग ओला उबर में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर रैपिडो ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, उस लिंक के थ्रू अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिल जाती है, 500 से लेकर 1000 रुपया ज्वाइनिंग बोनस भी मिल जाती है। ओके कैसे ज्वाइन करना है उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे के अंदर आईडी भी एक्टिवेट हो जाता है, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप लोग पहले वीडियो देख लेना कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, देन आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका बिना किसी प्रॉब्लम के आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी 1-2 घंटे के अंदर, उसके बाद आप भी मेरे तरह काम कर पाओगे। ओके हुआ। तो देखो ओला से भी गाइस बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं, अभी यहाँ पे जैसे मैं इनको उतारा ओला से बैक टू बैक दो बार बज गए, पहला वाला तो कैंसिल हो गया, खैर दूसरा वाला मिल गया और इन्होंने 100 रुपये दे दिया गाइस, पूरा 36 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया मुझे, 34 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, 66 हुआ था इनका तो पूरा 100 रुपीज़ दे दिया। चलो अच्छा देखते कंपनी ने कितना दिया ये तो मैं देख नहीं पाया, अभी अभी जाता हूँ पहले उनको जाके पिक करता हूँ देखता हूँ।
ओला से जो मुझे ऑर्डर मिला था ना गाइस, ये मेरे घर के तरफ का ही मैं आ चुका हूँ बिना माई रूट बुकिंग ऑन किए। तो अच्छा ही हुआ मेरे तरफ मेरे लिए एक तो, कि भाई बिना माई रूट बुकिंग ऑन किए घर के तरफ आ गया हूँ। तो 10:10 हो रहा रात का और रैपिडो फूड से एक ऑर्डर मिला घर के तरफ का, इसको नाटागढ़ लेके जाना है। तो मैं सोच ही रहा था कि रैपिडो फूड से शायद कोई ऑर्डर मिलेगा और मिल भी गया, और शायद इसमें 100 रुपीज़ के आसपास मुझे मिल जाएगा। 85 दिखा रहा था, 15 मिनट वेटिंग चार्ज इसमें मिल जाएगा, देखते हैं। 6020 है वह सस्ता यूट्यूबर हूँ। डेयर टू ड्रीम्स 6020। तो दोस्तों इसी ऑर्डर को डिलीवर करके मैं सीधा घर चल जाऊँ क्योंकि घर के नज़दीक का ये ऑर्डर है। ओके, और आज तीनों एप्लीकेशन में अच्छा बुकिंग मिल रहा था, ओला और रैपिडो तीनों से ही बैक टू बैक ऑर्डर मिला है, जिस वजह से अच्छा खासा अर्निंग कर लिया दोस्तों। मैंने जितना उम्मीद किया उससे ज़्यादा ही हो गया। अब कितना हुआ मैं घर जाके आप लोगों को पूरा बताता हूँ, ठीक है। ओला और रैपिडो तीनों मिला के आज मैंने कितना अर्निंग किया। ओके, तो चलिए दोस्तों फटाफट आप लोगों को अर्निंग भी शेयर कर देता हूँ। तो ओला से मैंने 160 रुपये अर्निंग किया। ओके, उबेर से 255 रुपये अर्निंग हुआ एंड रैपिडो से 210 रुपये अर्निंग हुआ। तो कुल मिला के 625 रुपये अर्निंग हुआ, लेकिन कई सारे कस्टमर ने एक्स्ट्रा पैसा दिया, लगभग 60-65 रुपये के आसपास मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। तो ऑलमोस्ट 680-690 रुपये के आसपास मैंने अर्निंग कर लिया, सिर्फ 5 घंटा काम करके, शाम के 5 से लेकर 10 बजे तक काम किया। और बाइक भी ज़्यादा नहीं चला गाइस, 60-65 किलोमीटर के अराउंड टोटल बाइक चला, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब आज अर्निंग हो गया। मैं तो बिल्कुल भी इतना उम्मीद करके नहीं निकला था, मैं सोच रहा था एटलीस्ट 400-500 रुपये तक हो जाए तो यार काम बन जाएगा, लेकिन 600-700 रुपये तक हो गया। चलो अच्छा था, मतलब संडे को भी दोस्तों मार्केट काफ़ी अच्छा होता, मतलब अगर मैं फुल डे काम करता था तो ऑलमोस्ट 1000-1200 रुपये तो इजीली मेरा बन जाता आराम से 10 घंटे में। तो संडे को भी अच्छा मार्केट रहता, बैक टू बैक ऑर्डर मिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना रहा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना, चक्री जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फेसबुक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।